हेलो दोस्तों, तो आज की पेंटिंग का टॉपिक है वोटिंग, या फिर तुम करप्शन फ्री इंडिया, या फिर मतलब जो भी वोटिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं तुम उस पर कर सकते हो। तो आज की पेंटिंग में हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे। जैसे ना, मैंने जो टूथब्रश होता है ना, वो गंदे वाला लेना, अच्छे वाला मत ले लेना, ठीक है? जो गंदा टूथब्रश होता है वो लेना और उससे टेक्सचर देंगे, ठीक है? तो खैर, अभी तो पहले तुम सिंपल बैकग्राउंड करो। नीचे जो ये प्लेन वाली मिक्सिंग है, तुम्हें यहाँ पे वो वाली मिक्सिंग देनी है। तो सबसे पहले जैसे देखो, यहाँ पे मैंने ब्लैक करा, फिर उसके बाद नीचे नीचे पर्शियन ब्लू करो ब्लैक में मिक्स, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके वाइट से तुम्हें मतलब बिल्कुल प्लेन शेडिंग देनी है। और देखो, जैसे मैंने सी टाइप में ब्लेंड करा है ना, तो मतलब हल्के से ऊपर हल्का डार्क में जाते जाते ब्लेंड कर देना है तुम्हें वाइट को। अब देखो, अब हम करेंगे इसमें ब्रश वाला जो टेक्सचर होता है ना वो देंगे। आज बैकग्राउंड पे बहुत प्यारा टेक्सचर आया है, तुमने थंबनेल पे देखा होगा ना, सेम वैसा ही। तो देखो, जैसे यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक कर दिया, फिर उसके बाद ना ब्रश से देखो, मैं कर रहा था तो ऐसा हुआ नहीं, मतलब मेरे को याद नहीं था कि कैसे करते हैं। फिर उसके बाद अब देखो, अब तुम ब्रश से पहले कलर डाल दो इस पर, मतलब बस तुम्हें ना कोई भी ब्रश यूज़ करना, उससे रखते जाना है बस कलर, ठीक है? तो जैसे देखो, मैंने पहले ब्लैक रखा और फिर थोड़ा सा वाइट उसमें किया तो ग्रे आ गया, और बीच में बिल्कुल ना वाइट रखो, कोशिश करो सबसे ज़्यादा लाइट बीच में हो। और फिर ना वहाँ से ब्रश से ले लेके, जो टूथब्रश होता है उससे वहाँ से ले लेके थोड़ी आगे आगे की ओर ना फैलाओ। जैसे देखो, मैं फैला रहा हूँ ब्रश से, तो इस टाइप से, ठीक है? तो तुम्हारी बहुत सही सी टेक्सचर आ जाएगी इसमें पेंटिंग में। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने ब्रश वाले टेक्सचर दिया था बीचों बीच, वैसे यहाँ पे ना ब्राउन वाले पे भी दूंगा। और तुम्हें ना ब्रश वाले टेक्सचर में एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे वाइट होता है ना, तो तुम्हें उसमें वाइट ज़रूर करना होता है और वाइट को फैलाना होता है ब्रश से, तो उससे ही मतलब बहुत अच्छा लुक आता है। तो जैसे देखो, यहाँ पे पहले ब्लैक में हल्का हल्का ब्राउन और वाइट मिक्स करो ऊपर तो ब्रश से, ठीक है? फिर उसके बाद टूथ ब्रश लो और उसके बाद ना उसमें मतलब ऐसे करके मिक्स करो। देखो, हल्का हल्का कहीं कहीं पे ना, जैसे स्ट्रोक्स या पैचेस मारते हो ना तुम, वैसे वैसे करना है तुम्हें, और कहीं कहीं पे फैलाना, वो ब्रश खुद ही लुक अच्छा ला देगा, मतलब उसके जो हेयर्स होते हैं ना वो खुद ही लुक अच्छा ला देते हैं। तो बस तुम्हें बस पागलों की तरह घिसना है बस, और कुछ नहीं सोचो, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे भी सेम करूँगा। देखो, अब जैसे उसमें वाइट टेक्सचर ला रहा था बहुत अच्छा, तो मतलब जैसे कोई तुम्हें हल्का कलर डालना अचानक ही, तुम ये स्पेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जब तुम स्पेस बनाते हो ना तब। अब देखो, मैंने येल्लो करा, अब येल्लो को ना जैसे बीच में तो मेन येल्लो रहने दिया। देखो, तुम ना पूरी येल्लो पे मत करना, जो येल्लो का जो जैसे मैंने करा था, तो येल्लो के जो साइड आउटर आउटर वाला पार्ट था ना येल्लो का, उस पार्ट को मैंने खींचा है हर तरफ। अगर तुम मतलब बीच वाले पार्ट को भी खींचोगे ना, तो वो सारा मतलब जो नीचे कलर है, आसपास कलर है, उसके साथ मर्ज हो जाएगा। पर तुम्हें थोड़ा सा येल्लोपन भी रखना है उसमें, तो इस वजह से मतलब आसपास मिक्स करो उसके, तो वो मतलब बहुत अच्छा जैसे मिक्सिंग ब्लेंडिंग वगैरह सही से ला देगा। देखो कितना प्यारा टेक्सचर आ रहा है पूरी ड्राइंग का। अब फिर इसके ऊपर हम ड्राइंग करेंगे, और देखो ऊपर भी मैंने सेम वैसे ही करा, मतलब ब्रश ब्रश मार दिया फिर थोड़ा सा करके। और तुम कोई और कलर्स भी यूज़ कर सकते थे, जैसे मेरा कोई डेफिनेट ये नहीं था कि मतलब यही कलर यूज़ करूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, अब तुम्हें यहाँ पे बनाना नहीं था। और इस ड्राइंग में मैंने करा क्या है अभी, तो देखो सिंपल वाइट से करो, बहुत ईजी टेक्निक है। सिंपल वाइट से पहले नेता बनाओ और उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग दो ब्राउन से आसपास, जैसे कहीं डार्क कहीं लाइट इस टाइप से, ठीक है? और तुम्हें मैं और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे देखो ये ड्राइंग में मेरा थीम क्या है, मेन मैंने मतलब बीच सेंटर क्या है ड्राइंग का तुम्हारे, जैसे ये नेता है और ये जो है ना मतलब इसके जो हाथ हाथ हैं वो कठपुतली की तरह मतलब आदमियों को नचा रहे हैं, और जो हाथ से जो धागे होते हैं ना, जैसे कठपुतली को तुमने शो में देखा होगा कि कठपुतली को नचाते हैं हाथ से धागा लगा के, तो वो धागे जो है ना वो बन रहे हैं पैसों से। तो मतलब ये पैसों की मदद से पैसे दे रहे हैं उनको, और ये वोट डाल रहे हैं आदमी मतलब बैंक में। तो ये मैंने सोचा था, मतलब मेरे पास ना अचानक ये आइडिया आया था, तो मैंने कहा भाई ये वाला तो आइडिया मतलब देना चाहिए इसमें, तो इस वजह से मैंने बना दिया ये, मतलब और एक पेंटिंग बना दी मैंने। और देखो, जैसे जैसे मैं शेडिंग दे रहा हूँ ना, तो शेडिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, मैंने शेडिंग करते वक्त हल्का सा पूरा ब्लैक ब्लैक वाला लुक नहीं रखा है, हल्का सा ग्रे ही लुक रखा हुआ है। तो जैसे होंठ पे, होंठ देखो, जैसे नेता के ना मैंने होंठ भी बना रखे हैं,
और नाक में भी थोड़ा सा नाक दिखाया हुआ है, ध्यान से देखो। तो तुम्हें ना ये सारी चीज़ें ना बहुत बारीकी से करना होता है। जैसे देखो, हाथ जब मैं करूँगा ना तो इसमें जल्दबाजी मत करना। जैसे देखो, मैंने मेनली तो इसमें यूज़ करा है ऑरेंज यूज़ करा है, और उसके साथ वाइट से मतलब थोड़ी बहुत शेडिंग दी है। लेकिन ना पता है, इसमें ना जैसे कहीं पे ऑरेंज डार्क है, कहीं पे ऑरेंज लाइट है, कहीं पे वाइट ज़्यादा डार्क है, कहीं पे वाइट बहुत लाइट है। तो मतलब इस हिसाब से हर तरफ मतलब तुम्हें ना शेडिंग का ध्यान रखना होता है कि कितना लाइट और कितना डार्क करना होता है, तभी लुक आता है बहुत अच्छा। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो मैं जैसे जैसे करता हूँ ना, उसमें कहाँ पर मैं लाइट चलाता हूँ और कहाँ पर डार्क चलाता हूँ, इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये नीचे जो ये कठपुतली है, देखो उसके हाथ से ना मैंने ग्रीन ग्रीन कलर के धागे से जोड़े हुए हैं, तो वो असल में पैसा है। और कठपुतली दिखाने के लिए जो मैं ज्वाइंट पे ना ये सर्कल सर्कल बना रहा हूँ, ये बना देना बस, तो तुम्हारा कठपुतली लगेगा। मतलब सिंपल एक लड़का सा बनाओ और उसके हाथ पे मतलब ऐसे ऐसे सर्कल सर्कल बना दो, तो बिल्कुल ये कठपुतली जैसा लगेगा। ठीक है, और ये हाथ के पैसे वैसे मैंने स्किप कर दिए, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा आसान है, बस उंगली पे सर्कल बनाओ और नीचे की ओर जोड़ दो तो हो जाएगा। और ये हाथ पे ऐसे ऐसे बस पैसों के लिए वाइट कलर से ऐसे ऐसे आउटलाइन कर दो हल्का हल्का, और फिर मतलब उस पे आर आर लिख दो, तो ऐसा लगेगा जैसे पैसों की ये है।
देखो मैं जहाँ भी स्किप करता हूँ ना वो पार्ट मतलब बहुत ज़्यादा आसान पार्ट होता है, तो तुम ये मत सोचना कि ये स्किप कर देता है। वीडियो मुझे छोटी भी रखनी होती है इसलिए मतलब मुझे यार स्किप करना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं मतलब स्किप करके भी वो वाले पार्ट बस स्किप करता हूँ जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हो या फिर जो सेम चीज़ें बना रहा हूँ मैं वो स्किप करता हूँ। तो तुम वो सारी चीज़ें देख लो, बहुत आसान आसान होती हैं। और देखो ये जो है ना, ये जो ये मैं बना रहा हूँ एरोप्लेन सा, जो कागज़ की एरोप्लेन होती है ना, ये तो ये मतलब ये है कि बंदे वोट देते हैं ये सोच के कि मतलब उनका भविष्य बेहतर होगा या वो सपने देखते हैं। तो मतलब इसलिए ना ये चीज़ मैंने दिखाया कि वो उड़ान लेने के लिए वोट वोट देते हैं कि मतलब इस बार तो अगली बार फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा मेरे साथ ये वो, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए वोट से रिलेट कर रहा था ये, इस वजह से मैंने बना दिया। ठीक है, और तुम ये हाथ के लिए बस इसमें ऑरेंज करो और वाइट से शेड दे दो तो ये सिंपल बहुत अच्छा सा हाथ बन जाएगा, देखते चलो। और इसमें भी सेम वही चीज़ कि मतलब जैसे देखो बैकग्राउंड तुम्हारा डार्क है तो डार्क बैकग्राउंड का यूज़ करो डार्क के लिए और लाइट के लिए वाइट करो मिक्स। सारे साइन दे दो जैसे जितने भी सिंबल होते हैं हमारे बीजेपी के या फिर कांग्रेस या फिर आपके भी बना सकते थे, तो मतलब जो तुम्हारे तुम्हारा मन हो वैसे बना देना। ठीक है, तो हमारी पेंटिंग ऐसे हो जाएगी कंप्लीट विद गुड कंपोजिशन। तो कैसी लगी कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे कुछ पूछना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और थैंक यू सो मच, बाय।